सुबह का नाश्ता तो हो गया, अब नाश्ते के बाद कॉफी तो बनती है। वाह, स्मेल ऑफ कॉफी। दिस इज सो ब्यूटीफुल ना? भाई म्यूजियम है तो बहुत सारी चीजें दिखाई भी जाएंगी। अब ऐसे में 300, 400 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑटोमन एम्पायर की चीजें हैं, गैल्वनाइज्ड कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, तरह तरह की चीजें हैं। किसी में कॉफी को रोस्ट किया जाता था, किसी में ग्राइंड किया जाता था, किसी में से सॉर्टिंग होती थी, किसी में से कॉफी बनती थी, ना जाने कितने प्रकार की कॉफी से रिलेटेड चीजें। वाह क्या कलेक्शन है। अरे मियां ये क्या कर रहे हैं? ये बरिस्ता है, इजिप्शियन बरिस्ता अब्दुल। भाई ट्रेडिशनल गलबिया में ड्रेस्ड है और कॉफी मेरे लिए बना रहे हैं इब्रिक में। हाँ मेटल पॉट है, लंबा वुडन हैंडल ताकि गर्म नहीं हो जाए। लेकिन गर्म किस में करेंगे? सैंड के ऊपर। जी हाँ, रेत पे बनी हुई कॉफी एकदम यूनिक है। गर्म रेत, रेत वाला भुट्टा खाया था लुधियाना में, अब ये रेत वाली कॉफी इजिप्शियन दुबई में। या ओके, ओह दिस इज रियली स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो। Okay. Now I drink. एक मिनट कैसे, पहले पोलराइड कैमरा आते थे, उसमें शॉट लेने के बाद 90 सेकंड ऐसे फोटोग्राफर जो है ऐसे हवा लगाते थे कि तो ये वही है, ये जो एक मिनट है ये सबसे लंबा होता है ऐसा वाला। एग्जैक्टली, पर इसका क्या फायदा? कॉफी सेटल्स डाउन इज इट? यस। जैसे फ्रेंच प्रेस करते हैं, सब करते हैं थोड़ा, तो मतलब नहीं तो बहुत ज्यादा कॉफी जो है उसके पार्टिकल तो काफी सैंडी टेस्ट करेंगे। वाह खुशबू तो बहुत स्ट्रांग है, एकदम गर्म कॉफी भी है, टेक्सचर कैसा है? थोड़ा सैंडी है। इट्स नाइस, इट्स फ्रेश, इट्स जो कॉफ़ी है ना मुझे टर्किश और ये वाली कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, थोड़ी सैंडी टेक्सचर लगती है। ये तो सैंड पे बनी है। कॉफ़ी की बात की जाए और इथोपिया की नहीं की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो यूनिक है भाई। प्लेन कॉफ़ी, मीठी कॉफ़ी या नमकीन, ट्राई करेंगे? यू कैन हैव विद शुगर, विदाउट शुगर और विद सॉल्ट। नो वे, सॉल्ट इन कॉफ़ी? कॉफी 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 शुगर के साथ, बिना शुगर के, पॉपकॉर्न के साथ, सॉल्ट के साथ। बट यू डू वी वांट टू ट्राई? ऑफ कोर्स वी हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स, व्हाट इज कॉफी विद सॉल्ट? यस, तो कॉफी में चीनी डल गई? बिना चीनी? बिना चीनी के। और इसमें तो अभी कुछ नहीं है। अच्छा कश्मीर में चाय मिलती है नून चा, राइट? वो टी विद सॉल्ट होती है। हाँ, दिस इज विद शुगर, दिस इज विदाउट शुगर एंड दिस इज विद सॉल्ट। ओके, अब मेरे पास में तीन कॉफी हैं, एक में चीनी है, एक में नहीं है, एक में कुछ है कुछ नहीं है। अब हम इसको घुमाए दिए हैं, अब हमें नहीं पता कि किसमें चीनी है किसमें नहीं, कौन सी क्या है, अब किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता। Okay, so nobody knows what is what now because he's just flipped them around. So we'll see now. Okay. What has what? Okay. And popcorn. Wheat. Oh, roasted wheat. Yes. Roasted wheat. Let's see. What do you have? Ahmed, we'll start with you. I'm not sure. I think sugar. Okay. ये प्लेन है। I got the salt. This is one with salt. You can taste. This is not. Very different. This is salt, not like how we have salt in popcorn. Salt. Yeah. Okay, one more. No. Oops. नहीं नहीं ठीक है, नमक स्वाद अनुसार नहीं है, कम है। So this is the first time we're actually having coffee with salt. Salt. Mm.
कहानी कॉफी की बहुत पुरानी है, ऐसी चीज है जो आज हम पी लेते हैं और सोचते भी नहीं है, लेकिन 5th century में पहली बार इथोपिया के अंदर कॉफी बीन्स जो हैं वो कहते हैं डिस्कवर हुए। लेकिन कॉफी तो पी नहीं जाती थी, खाते थे लोग, कॉफी बीन्स को खाते थे। वहां से चलते चलते 7th century में यमन में पहुंच गई, वहां पर कॉफी थोड़ी सी रोस्ट करनी शुरू हुई, फिर उसके बाद में उसका लिकर बना, वहां से और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में गई, थोड़ी सी अफ्रीका में गई, और उसके बाद चलते 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 दूसरी दुनिया में। जी हाँ, दूसरी दुनिया वहां के हिसाब से तो दूसरी दुनिया है, अगर कॉफी जब ट्रैवल की यूरोप तक पहुंची, बीच में टर्की में भी थोड़ी देर रुकी और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। अब हिंदुस्तान हो, यूरोप हो, कहीं पर भी हो, कॉफ़ी अगर उगाई ना भी जाए लेकिन पीते तो सब लोग हैं। काफ़ी लोगों का दिन शुरू ही नहीं होता अगर कॉफ़ी ना मिले। 5th century से शुरुआत हुई, आज तक चल रही है, कब तक चलेगी? जब तक आप और मैं हैं तब तक तो चलती रहेगी।